हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पंजाब का फेमस डेजर्ट है, आप भी इसे एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो खीर और फिरनी के इंग्रेडिएंट सेम है, बट इन दोनों के टेक्सचर में फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरनी बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है, आधी कटोरी चावल लिए हैं, इसे हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे ताकि इसका दरदरा पेस्ट बना सके। 1 कटोरी चीनी ली है, कटे हुए बादाम, कटा हुआ पिस्ता, इलायची पाउडर और केसर और गुलाब जल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने दूध को गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम अपने चावल का पेस्ट बना लेते हैं। इसे हम दरदरा ही पीसेंगे, ज्यादा नहीं पीसना है। ये हमने चावल का दरदरा पेस्ट बना लिया है, ये देखिए हमारे दूध में थोड़ा उबाल आना शुरू हो गया है। हम अपने केसर में थोड़ा दूध डाल लेते हैं। ये हमारे दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें अपना चावल का पेस्ट ऐड कर देते हैं। इसे हम साथ साथ हिलाते रहेंगे, चावल को थोड़ा पकने देंगे। इसे हम थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। साथ साथ में हिलाते रहेंगे ताकि चावल की गुठलियां ना बने इसमें। ये दूध हमारा थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, इसे हम थोड़ा और थिक कर लेंगे। अब दूध हमारा थोड़ा थिक हो गया है, अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देते हैं। इसमें अपना केसर वाला दूध भी ऐड कर देते हैं। इसमें हमने अपनी चीनी ऐड कर दी है, चीनी थोड़ा पानी छोड़ जाती है इसलिए हम थोड़ा इसे और थिक कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी इलायची पाउडर डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ये हमने अपने बादाम थोड़े से पीस लिए हैं, इसमें हम वो भी डाल देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच गुलाब जल डाल देते हैं, इससे इसकी स्मेल भी अच्छी आएगी। अब ये काफी थिक हो चुकी है, अब हम गैस को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी फिरनी ठंडी हो रही है, ये हमने मिट्टी के कुल्लड़ लिए थे फिरनी सर्व करने के लिए, इसे हमने 15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिए थे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा मिट्टी निकल जाए। अब हम इसे पानी से निकाल लेते हैं और इसे उल्टा करके रख देते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये फिरनी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसे सर्व करने के लिए कुल्लड़ में निकाल लेते हैं। इसे मिट्टी के कुल्लर में इसीलिए सर्व किया जाता है क्योंकि मिट्टी की अपनी महक होती है और इससे फिरनी का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं। अब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि इसे थोड़ा ठंडा करके ही खाया जाता है। ये फिरनी को हमने थोड़ा देर ठंडा कर लिया है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।